तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सेट थियरी से मॉडल टू, जिसमें हम तीन सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि इस केस में वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर है वेन डायग्राम तीन सेट्स के लिए, राइट। एक है यूनिवर्सल सेट जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम देख सकते हैं हमने तीन सर्कल्स ड्रॉ किए, राइट। ये तीनों सर्कल्स एक एक सेट रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, तीन अलग अलग सेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं ये है सेट ए फर्स्ट सर्कल, ये है सेट बी, और ये जो सर्कल है ये है सेट सी। तो पिछले केस में हमने देखा था मॉडल वन में दो ही सेट्स थे ए और बी, सो ये थर्ड सर्कल नहीं था, लेकिन यहां पर क्योंकि तीन सेट्स है हमने थर्ड सर्कल भी ड्रॉ किया है। और अगर आप ऑब्जर्व करें हर पॉसिबल पेयर ऑफ सेट्स में ओवरलैपिंग, राइट, ए और बी के बीच में ओवरलैपिंग है, बी और सी में भी ओवरलैपिंग है, और ए और सी में भी ओवरलैपिंग है। तो अब हमें ये देखना है कि इस टोटल जो यूनिवर्सल सेट है इसमें कितने अलग अलग रीजन्स है और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा टोटल, तो जो भी टोटल हो वो इसी बॉक्स के अंदर आएगा, राइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करें इस यूनिवर्सल सेट में एट यूनिक रीजन्स है, एट अलग अलग रीजन्स है, राइट, उन्हें डिनोट कर लेते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, और एक जो आउटसाइड रीजन है उसे मान लेते हैं एच, राइट। सो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये है टोटल एट रीजन्स जो इस यूनिवर्सल सेट के पोर्शंस हैं। अब देखते हैं कि ये रीजन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इन सेट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लें हमें चाहिए कि सेट ए की वैल्यू क्या है, राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन सेट ए, या फिर हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन सेट ए, चाहे जो भी केस हो, राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो भी सर्कल ए के अंदर आता हो वो सेट ए को बिलोंग करेगा, जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, राइट। सो जो जो पोर्शन ए के अंदर है वो सभी ए को बिलोंग करेंगे, सेट ए को बिलोंग करेंगे। तो क्या पोर्शन है ए के अंदर, ए डी एफ जी, हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू होगी ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। सिमिलरली सेट बी क्या होगा, सेट बी के अंदर भी अगर आप देखें फोर रीजन्स हैं यहां पर, राइट, बी डी ई जी, सो ये हो जाएगा बी प्लस ई प्लस डी प्लस जी। सेट सी जो थर्ड सेट है हमारा, राइट, इसमें क्या पोर्शन है, सी ई एफ जी, सो ये हो जाएगा सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो ऐसे हम आगे अगर हमें किसी भी सेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो हम उन सभी पोर्शंस को कंसीडर करेंगे जो उस सर्कल के अंदर आते हो, राइट। लेकिन जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कीवर्ड ओनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट थियरी में। यहां पर अगर आप देखें हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट की है, राइट, ए कितना है, सेट ए कितना है, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ओनली ए कितना होगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सिमिलरली यहां पर भी पूछा जा सकता है हाउ मेनी आर देयर ओनली ए, जो सिर्फ सेट ए को बिलोंग करते हो, सेट बी या सेट सी को बिलोंग नहीं करते हैं, राइट। जैसे अगर आप यहां पर देखें ए में हमने ए डी एफ जी कंसिडर किए हैं, तो डी बी को भी बिलोंग करता है, एफ सी को बिलोंग करता है, राइट, ए को और सी को दोनों को बिलोंग करता है, और जो सेक्शन जी है ये ए बी सी तीनों को बिलोंग करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ओनली ए। सो ओनली ए क्या होगा, ओनली ए अगर चाहिए कौन सा रीजन कंसिडर करेंगे, आप इस रीजन को कंसिडर करेंगे। अगर आप देखें ये जो डॉटेड सेक्शन मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है ये सिर्फ ए है, यहां पर बी और सी बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे, बी और सी को हमने बाहर रखा, सो स्मॉल ए हो जाएगा ओनली ए, ये होता है ओनली ए। सिमिलरली ओनली बी क्या होगा, ओनली बी हो जाएगा ये डॉटेड सेक्शन, राइट, इसे हम कह सकते हैं ओनली बी, सो ओनली बी की वैल्यू होगी स्मॉल ए। और जो लास्ट है ओनली सी कितना होगा, स्मॉल सी, राइट। ये पोर्शन अगर आप देखें यहां पर बी और ए ओवरलैप नहीं कर रहे, राइट, इस डॉटेड सेक्शन में बी और ए बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे, सो ओनली सी हो जाता है स्मॉल सी, राइट, ओनली सी। अब और भी पोर्शन है इसमें, जैसे देखें आप बोथ ए एंड बी, राइट, बोथ ए बी के अंदर कौन से रीजन आएंगे, अब हमें वो रीजन कंसिडर करने हैं जो ए और बी दोनों को बिलोंग करते हो। अब देखिए अगर आप ये जो सेक्शन है जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है यहां पर, इसमें जो भी पोर्शन है ये ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं, राइट, डी ए को बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है, और जी ए को बिलोंग करता है बी को भी बिलोंग करता है। सो बोथ ए एंड बी जो दोनों ए और बी को बिलोंग करते हैं कौन से रीजन होंगे, डी प्लस जी, डी प्लस जी। सिमिलरली बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी क्या होगा, बोथ सेट्स बी एंड सी में है जी प्लस ई, राइट, ये डॉटेड रीजन ई एंड जी, राइट, सो ये हो जाएगा ई प्लस जी। एंड बोथ सी एंड ए, जैसे मैंने बताया था सारे पॉसिबल ओवरलैपिंग है यहां पर, सो सी और ए भी ओवरलैप करते हैं, कौन से रीजन आएंगे यहां पर, F और G, राइट, F और G दोनों ही
सेट्स को बिलोंग करते हैं, सी और ए को, सो ये हो जाएगा ए प्लस जी, राइट। अब यहां पर भी कई बार क्वेश्चन में बोथ ए एंड बी पूछा जा सकता है, या फिर बोथ ए एंड बी ओनली भी पूछा जा सकता है, राइट। बोथ ए एंड बी ओनली, इसका मतलब क्या होगा, सी, अगर आप बोथ ए एंड बी देखें, हमने दो रीजन कंसिडर किए हैं, डी और जी, इसमें से जो डी सेक्शन है, जो डी रीजन है, ये ए और बी दोनों को बिलोंग करता है, राइट, और सी को बिलोंग नहीं करता, राइट। डी सी का पोर्शन नहीं है, सिर्फ ए और बी का ही पोर्शन है। लेकिन जो सेकेंड पोर्शन हमने यहां पर लिया है, जी जो रीजन हमने कंसिडर किया है, अगर आप ऑब्जर्व करें, जी तीनों ही सेट्स का पार्ट है, जी ए को भी बिलोंग करता है, बी को और सी को भी बिलोंग करता है। हमें क्या चाहिए, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, या फिर बी एंड ए ओनली, राइट, ओनली बोथ बी एंड ए, राइट, ओनली एंड बी। यहां पर क्या होगा, हमें वो रीजन नहीं कंसिडर करना है जो सी को बिलोंग करता, राइट, ओनली ए एंड बी कह रहे हैं, राइट, ओनली ए एंड बी मतलब सिर्फ ए और बी को ही बिलोंग करेंगे, सी को बिलोंग नहीं करेंगे। उस केस में हम सिर्फ डी को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि डी ही एक ऐसा रीजन है जो ए और बी दोनों को बिलोंग करता है, और सिर्फ ए और बी को ही बिलोंग करता है, सी को बिलोंग नहीं करता, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी। सो यही पॉइंट है, वेन डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो बहुत इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन आंसर करना। अगर पूछे ओनली ए एंड बी, हम इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे एज आंसर। ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी क्या होगा, सी, बी एंड सी हमने लिया था ई प्लस जी, ओनली बी एंड सी होगा ई, जी को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जी ए को भी बिलोंग करता है। सो हमें वह सारे रीजन निकालने हैं जो बचे हुए सेट्स को बिलोंग करते हैं, बी एंड सी ओनली, ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी क्या होगा, सिर्फ ई होगा। सिमिलरली ओनली सी एंड ए क्या होगा, ओनली सी एंड ए, सी एंड ए सिर्फ सी एंड ए, एफ होगा, राइट, जी को कंसिडर नहीं करेंगे, ये हो जाएगा। So, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, right? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट रीजन है जो है जी। अगर आप देखें, जी एक ऐसा रीजन है जो तीनों को बिलोंग करता है, ए बी और सी तीनों ही सेट्स को बिलोंग करता है, राइट, ए का भी पोर्शन है, बी का भी पोर्शन है और सी का भी पोर्शन है। सो ऑल ए बी एंड सी, ऑल ए बी सी क्या आएगी इसकी वैल्यू, जी, जी ही एक ऐसा पोर्शन है जो तीनों को बिलोंग करता है। और जो लेफ्ट आउट रीजन है यहां पर एच, एच क्या रिप्रेजेंट करता है, नन ऑफ ए बी एंड सी, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था नन ऑफ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी, वैसे यहां पर नन ऑफ ए बी एंड सी, तीनों को बिलोंग नहीं करता है, कौन सा रीजन है वो, एच। तो ये है वो सारे डेफिनेशंस जो हमें प्रॉपरली समझने हैं, राइट। अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ए बी सी, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी ओनली, ऑल ए बी एंड सी, नन ऑफ ए बी एंड सी, राइट। सो इन रीजंस को हमें प्रॉपरली सेलेक्ट करना है, राइट। और हमने देखा था कि मॉड्यूल वन में एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, राइट, टोटल इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस बोथ ए बी प्लस नन, जो कि दो सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करें। जैसे मैंने बताया, जो टोटल होगा, टोटल क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये होगा टोटल, टोटल एट रीजन जो है, इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फॉर्मूले में हम कैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी को यूज करके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। सो फॉर्मूला होता है ऐसे, टोटल इस केस में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान है ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए का मतलब क्या होगा, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, कैपिटल बी का मतलब क्या होगा, सेट है ये, कंप्लीट सेट भी है, सो बी प्लस ई प्लस डी प्लस जी, कैपिटल सी हो जाएगा सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, राइट। सो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बोथ ए बी, माइनस बोथ ए बी, बोथ ए बी क्या है, डी प्लस जी, बोथ ए बी हमने कहा है, नॉट ओनली ए एंड बी, राइट, बोथ ए बी, बोथ ए बी माइनस बोथ बी सी माइनस बोथ सी ए प्लस ऑल प्लस नन। सो ये है वो फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, राइट, ऑल ए बी सी नन ऑफ ए बी एंड सी, सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट। टोटल इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बोथ ए बी माइनस बोथ बी सी माइनस बोथ सी ए प्लस ऑल ए बी एंड सी प्लस नन ऑफ ए बी एंड सी, राइट। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। So, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है प्लस वेन डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज वेन डायग्राम का ये होगा कि क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते हैं, राइट, हमें इन इक्वेशंस को याद नहीं रखना है। अगर आप फॉर्मूला यूज करें तो आपको सभी इक्वेशंस पता होना चाहिए, राइट, कि कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वेन डायग्राम में बहुत ईजी है, अगर मान लीजिए पूछा जाए वॉट इज बोथ बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, सो बी एंड सी ओनली यानी ए नहीं आना चाहिए, सो बी एंड सी को बिलोंग करते हैं ई और जी, लेकिन क्योंकि ए नहीं चाहिए सिर्फ ई को कंसिडर करें, राइट। सो इजी हो जाता है जी की वैल्यू फिल करनी होगी, जो सबसे ज्यादा ओवरलैप रीजन है यहां पर वो है जी,
ए बी और सी तीनों को बिलोंग करता है। तो वेन डायग्राम अगर हमें सॉल्व करना हो तो सबसे पहले जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दी जाए तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे कि जी क्या है, जी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही जी आ जाता है फिर हम डी ई एफ फिल करेंगे, राइट, क्योंकि ये वो सेक्शंस है जिसमें दो सर्कल्स ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। जी में तीनों सर्कल्स ओवरलैप हो रहे हैं, डी ई एफ में दो दो सर्कल्स ओवरलैप हो रहे हैं, और फिर हम फिल करेंगे एबीसी, यानी इनसाइड आउट ऑपरेशन है। सबसे पहले जी फिल करें, फिर डी ई एफ, फिर एबीसी, राइट, इनसाइड आउट ऑपरेशन है, और लास्ट में हम एच फिल कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार एच जीरो हो, जैसे मान ले दिया जाए कि किसी क्लास में प्रीवियस एग्जाम्पल लेते 120 स्टूडेंट्स हैं और यू नो इंग्लिश हिंदी और संस्कृत तीन सब्जेक्ट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए, उस केस में क्या होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हुआ, तो एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एच जीरो है, राइट, इस रीजन की वैल्यू जीरो। तो ऐसे हमें वेन डायग्राम फॉलो करना है तीन सेट्स के लिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हम वेन डायग्राम यूज करके तीन सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।